लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नवी मुंबई के सानपाड़ा प्रभाग 78 में अवांछित गतिविधियों की निगरानी हो और अपराध रोकने में पुलिस को मदद मिल सके, इसके लिए स्थानीय नगर सेविका रूपाली निशांत भगत ने इलाके में 4 CCTV कैमरों की स्थापना करवाई है। आज इसका उद्घाटन नेरुल के सीनियर पुलिस ऑफिसर श्याम सिंधे के हाथों किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता दशरथ भगत ने रूपाली निशांत भगत के पहल की सराहना की। वहीं युवा नेता निशांत भगत ने कहा कि प्रभाग 78 उनका परिवार है और परिवार की सुरक्षा बनी रहे इसके लिए इन CCTV कैमरों की स्थापना की गई है। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई के सानपाड़ा प्रभाग 78 में सानी नगर सेविका रूपाली निशांत भगत की पहल पर 4 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। नेरुल के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर श्याम सिंधे ने आज इसका उद्घाटन करते हुए विश्वास जताया कि इससे अपराधों की निगरानी और जांच पड़ताल में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता दशरथ भगत एवं पूर्व नगर सेविका रूपाली भगत, युवा नेता निशांत भगत खास तौर पर मौजूद थे। युवा नेता निशांत भगत ने कहा कि अपना प्रभाग अपना परिवार है और इसीलिए परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से यहां जूई नगर सेक्टर 22 और 23 इलाके में 4 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इनका मॉनिटर ओम साई सिद्धि जैसी बड़ी सोसाइटी में होगा। निशांत भगत ने कहा कि CCTV कैमरे निगरानी के साथ ही पुलिस जांच में भी मददगार बनेंगे। अपना प्रभाग हा अपना परिवार है आणि परिवाराची सुरक्षा ही एक स्थानिक नगरसेवक म्हणून ही आमची जबाबदारी आहे आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं या जुईनगर सेक्टर 22 आणि 23चा विकास होत असतानाच लोक या ठिकाणी सकाळ संध्याकाळ जॉगिंगला यायला लागले आणि त्या दरम्यान काही ह्या मागच्या एक महिन्यामध्ये 2-4 घटना घडल्या, ज्याच्यामध्ये विशेष करून काही आपापसात जे चर्ची गर्दुल्ले जे काही युवक आहेत जे 18 आणि 25-30 वयोगटातले आहेत आणि त्यांचे आपापसात भांडणं झाली आणि बाचाबाचीवरून मारामारीपर्यंत पोचली आणि ती मारामारीपर्यंत नंतर मर्डरपर्यंत पोचू नये आणि जरी ते झाल्यानंतर पण ते का झालं किंवा कोणामुळे झालं आणि कसं झालं हे पोलीस स्टेशनपर्यंत त्यांचा पुरावा मिळावा आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं CCTV कॅमेरा लावण्यात आले आणि त्यासोबतच मागच्या 5 दिवसा अगोदर एक युवती ही ह्या पाठीमागच्या नाल्यामध्ये तिला कोणतरी मारण्यासाठी गेलेला आहे आणि अशा प्रकारची अफवा पूर्ण जुईनगरमध्ये पसरली आणि त्या ठिकाणी नवी मुंबई महानगरपालिकेची फायर ब्रिगेड किंवा नेरुल पोलीस स्टेशनचे सर्व अधिकारी कर्मचारी आणि जुईनगरमधील सर्व नागरिक या ठिकाणी जमले। हे जमलेलं असताना त्यामध्ये नक्की काय घडलं आहे हे पोलिसांना काही समजत नव्हतं आणि म्हणून ह्या विषयाला गांभीर्यानं घेऊन स्थानिक नगरसेविका रूपाली भगत यांच्या माध्यमातून स्वखर्चाने या ठिकाणी सिद्धिविनायक सोसायटीच्या समोर जो लाईटचा पोल आहे त्याच्यावरती कॅमेरे लावण्यात आलेले आहेत। 16 DVR काम आणि 4 कॅमेरे लागलेले आहेत असं पूर्ण जुईनगर सेक्टर 22 आणि 23 कवर व्हावं म्हणून खऱ्या अर्थाने ह्या CCTV कॅमेरे या ठिकाणी लावण्यात आलेले आहेत आणि त्याचं उद्घाटन नेरुल पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्याम शिंदे साहेब यांच्या शुभहस्ते या ठिकाणी उद्घाटन झालेले आहे। बता दें कि लॉकडाउन के बाद नवी मुंबई के कई इलाकों में तेजी से अपराध बढ़े हैं। सानपाड़ा के प्रभाग 78 में ऐसी तमाम अवांछित गतिविधियां शुरू हो गई थी जिन्हें रोकना जरूरी था।
वरिष्ठ नेता दशरथ भगत ने इस पहल के लिए रूपाली निशांत भगत की सराहना की और विश्वास जताया कि सीसीटीवी लगने से समाज विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।